बहुत बुद्धिमान है वहां के लोग। ये अकेला पड़ जाएगा वहां। कैसे? ये तो उनका मसीहा बनेगा। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इंडिया के आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान का कैरेक्टर निभाने वाले हैं उनकी अपकमिंग फिल्म शक्तिमान में, जिसकी शूटिंग वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2025 के बाद ही करेंगे, क्योंकि उसके पहले वो फिल्म डॉन 3 के लिए शूटिंग करेंगे सितंबर 2024 से पहले। इसमें कुछ वर्कशॉप्स भी होने वाले हैं। वैसे अगर ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना अंदर ही अंदर अब सोनी पिक्चर्स को राइट्स नहीं देते तो फिर आज ये फिल्म बनती ही नहीं। दरअसल उनका ये कहना था ना कि वो कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगा कर एक बढ़िया लेवल की फिल्म बना दे। ये काम तो बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं, वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब सोनी पिक्चर्स ने राइट मांगे तो उन्होंने दे दिए। अब वो फिल्म को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तभी पहुंच सकती है अगर शक्तिमान में वो बात होगी तो ही। रणवीर सुन रहे हैं ना आप, ये खास आपके लिए। वैसे शक्तिमान सीरियल में ना शक्तिमान जितना पावरफुल हीरो था उतना ही पावरफुल था उसका दुश्मन यानी कि मेन विलन सम्राज किलविश। तम का मतलब है अंधेरा और राज का मतलब होता है किंग, मतलब अंधेरे का सम्राट। ये वही है जिसने शक्तिमान के माता पिता को मार दिया था। वैसे किलविश जैसे जबरदस्त कैरेक्टर को फिल्म मिनल मुरली के हीरो टोबिन थॉमस निभा सकते हैं। वैसे शक्तिमान की टीम कुछ वेपन्स पर काम कर रही है जो शायद किलविश का कैरेक्टर फिल्म में इस्तेमाल करता हो। अब अगर शक्तिमान सीरियल में देखा जाए ना तो किलविश का किरदार काफी अहम था। वो अपने हाथों से ही जादू करता था, वेपन्स उसके हाथों में कभी दिखे ही नहीं। मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना, वो भी फिजिकली मौजूद ना होने के बावजूद ये उसके अंदर के शस्त्र थे यानी कि पावर। तो शक्तिमान की टीम कौन से वेपन्स पर काम कर रही है ये तो पता नहीं, पर हो सकता है कि फिल्म में ऐसे वेपन्स हो जिससे कि उसका कैरेक्टर और भी कमाल लगे, जैसे हॉलीवुड कैरेक्टर थॉर का हैमर होता है या फिर कैप्टन अमेरिका का कोई शील्ड होता है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे में तो किलविश वर्सेस शक्तिमान का मुकाबला देखने में मजा आने वाला है। वैसे किलविश मेन विलन जरूर था पर उसके साथ ना काफी सारे फॉलोवर्स भी थे उसके, जिसमें साइंटिस्ट जयकाल था, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक मैन था जो अपनी बॉडी से लाइट फायर करता था, फिर एक स्टोन मैन था जो अपनी बॉडी से पत्थर थ्रो किया करता था, मतलब ये उनकी पावर्स थी। तो ये किलविश के साथ ही थे, तो इन्हें भी फिल्म में इंक्लूड किया जाए जिससे कि ये किलविश की सेना ना नजर आएगी, मुकाबला शक्तिमान को करना पड़ेगा जो देखना काफी दिलचस्प होगा। अब देखना ये है कि उनके लिए किन एक्टर्स की कास्टिंग होती है, क्योंकि कास्टिंग बहुत मैटर करती है यहाँ पर। ऐसे यादगार कैरेक्टर्स के लिए तो कास्टिंग मायने रखेगी ही ना। तो आप किसे देखना चाहेंगे किलविश की सेना में मौजूद सभी कैरेक्टर्स के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।